हालेलुया। और जिस सिस्टर का नाम कुलविंदर है और जिस मौके से आए हैं और इनकी बेबी बॉय की ब्लेसिंग की टेस्टामनी है, और जिस सिस्टर आज अपनी गवाही को देने के लिए आए और जो परमेश्वर की आज हजूरी में इसलिए आए कि जो परमेश्वर इनको जी आज कहां से आई मौके से, और जिस सिस्टर की गवाही ये है कि परमेश्वर ने इनको इस बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है, क्योंकि जो बताते कि जिस समय इनके पास जे बेटा नहीं था और इनकी दो बेटियां थी, और उस समय भी जिस सिस्टर ने ऐसी मेडिसिन ली थी कि जैसे संसार में हम देखते के जो बेटा होने के लिए, तो जिस सिस्टर ने बताया कि ऐसे मैंने उन अपनी बेटियों के लिए भी ऐसे मेडिसिन खाई थी, पर जैसे इनकी दो बेटियां होगी तो उस समय भी इनका मन निराश हो गया, इनकी फैमिली भी। तो जैसे इन्होंने ऐसे इस मिनिस्ट्री को वॉच कर रहे थे, तो परमेश्वर ने जैसे इन्होंने ऐसे प्रेयर टावर में कॉल की, उस समय जिस सिस्टर ऐसे 4 मंथ थे, इनको जो प्रेग्नेंट थे, जिस समय इन्होंने हमारी मिनिस्ट्री में कॉल की, और जैसे इन्होंने कॉल की इन्होंने बताया कि ऐसे मेरी चाहत है कि मैंने जैसे पॉजिटिव विश्वास को सुना है और मैं चाहती हूँ कि मुझे और भी बताया जाए कि कैसे मैं परमेश्वर के जैसे हर एक वचन को सुना है कि परमेश्वर। सुनो, सुनो एक पॉइंट सुनो सबसे से, क्योंकि ये मोगा से आई है और इन्होंने ऑनलाइन इस मीटिंग को देखना। आप कब से प्रभु में हो, कितना टाइम हो गया आपको? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। और इस मिनिस्ट्री से जब आपने वॉच किया कब, कितना टाइम हो गया? मुझे 4 मंथ थे तभी मैंने 4 मंथ्स प्रेगनेंसी के 4 मंथ थे जब अपने इस मिनिस्ट्री को देखना शुरू किया है ना। और उससे जब आपकी 2 बेटियां तब आप प्रभु में थी? नहीं, नहीं तब नहीं थे। और आपने मेडिसिन खाई? पहले खाई थी। हाँ, तो मेडिसिन खाई क्योंकि संसार में ऐसे होता ही नहीं कि मेडिसिन खाने से क्या होते हैं, क्या होते हैं, बेटे होते हैं, बेटे समझे। इसीलिए परमेश्वर का मेरी पैसा ज्ञान बिना क्या हो रही है, क्योंकि लिखा लड़के यहोवा के दिया हुआ भाग है, उसकी मिरास है। वजन साता में लिखा लड़के किसकी मिरास है? परमेश्वर की ओर से, समझे। किसी मेडिसिन से, जहां कोई तांत्रिक बाबा जी के पास, ये खुदा का ओर से मिरास है, समझे, खुदा के ओर से है ये। और फिर इन्होंने सबसे पहले ये पॉइंट है कि इन्होंने जब सुना तो पॉजिटिव विश्वास, जो हम इस मिनिस्ट्री में बताते हैं कि कैसा विश्वास करना है, और इन्होंने कॉल की, फिर और भी इन्होंने सीखा और समझा, फिर ये लगातार उस पॉजिटिव नियम को लेकर प्रार्थना में लगे रहे और विश्वास करते रहे। क्या करते रहे? विश्वास करते रहे। और लास्ट डिलीवरी के समय, क्योंकि जो चीज इन्होंने पकड़ी थी, विश्वास किया था, और इन्हें पक्का ऐसे विश्वास था कि खुदावन मुझे बेबी बॉय के साथ क्या करेगा, ब्लेस करेगा, और ये विनती प्रार्थना में लगे रहे। और जब डिलीवरी का केस था तो तब इन्होंने प्रेयर करवाई। मैंने आपसे पूछा था ना डिलीवरी के समय, मेरे से बात हुई थी आपने, मैंने कहा था आपको विश्वास है कि खुदावंद आपको बेटा देगा, तो आपने क्या कहा था? हाँ जी, कल वो इसी गीत ने आपने कहा कि मुझे, हाँ जी मुझे बेटा चाहिए और मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। इन्होंने कहा, मैंने पूछा आपको विश्वास है, कहते हाँ। तो मैंने तब प्रेयर की इनके लिए, और आज ये देखो कितना क्यूट बेबी है, हाँ कितना प्यारा है ना, समझ रहे हैं? कि सच में जो चीज परमेश्वर की ओर से, बोलो क्या है, उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ, उसके उसमें खुदा की ग्रेस है। हाँ, ये देखो इसमें खुदा का कितना अनुग्रह। क्या नाम क्या रखा है इसका? अभिषेक। मैंने 7 मंथ सिखा उदो मैं प्रेयर करती हूँ सी, प्रभु मैनु अपना अभिषेक दो। वो मेरे मन दे विच एदा ही रहा, मैनु अभिषेक दो प्रभु, मैं अपने बेटे का नाम अभिषेक ही रखूंगी। ते 7 मंथ तो नाम रखा हुआ सीगा, मैं ते नाम अभिषेक ही रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा विश्वास रखना, हाँ, एडवांस में उसका नाम भी सोच लिया, समझ रहे हो? ये है विश्वास, ऐसा विश्वास करना। क्या करना है? और सबसे मेन चीज है कि जब इन्होंने इनके 4 मंथ है ना,
चार महीने की प्रेगनेंसी थी जब इन्होंने इस मिनिस्ट्री को वॉच किया, तो सबसे पहले इन्होंने इस मिनिस्ट्री की एक बात सुनी, पॉजिटिव विश्वास, पॉजिटिव प्रेयर। हाँ, इन्होंने और भी सीखा और फिर उस चीज को लेकर धन्यवाद करते रहे और विश्वास करते रहे। और आज ये अभिषेक के साथ आपके सामने, आज खुदा की हजूरी में और आपके सामने तारीफ करो जोर से। हाँ, और जिनके पास नहीं है, बोलो क्या है, जिनके पास नहीं है, इस गवाही से धन्यवाद करो और विश्वास करो कि मैं भी सेम खुदावन जैसे जी आज मोगा से यहां पे खुदावन तेरी प्रेस तेरी महिमा करने के लिए आए, वैसे ही खुदावन मैं भी खुदावन आ चुकी और मुझे शांस है इस गवाही से विश्वास करो कि सेम परमेश्वर मैं भी इस जगह पे ऐसे ही खुदावंद अपने बेटे की गवाही दे चुके हूं। आमेन।